हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 22 अगस्त और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, काम सुबह से चालू हो गया है, अभी 7 ही बजे हैं। तो जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे कि काम ताबड़तोड़ जोरों शोरों से शुरू है, क्योंकि उसमें ब्लैक पहले करना है और ब्लैक के बाद फिर ऑरेंज करना है बर्ड्स में। तो ये लोग सुबह से आ गए थे, मैं जस्ट उठ के पीछे आया, देखा ये लोग काम में लगे हैं। मैं बोला चलो ये अच्छी बात है और दोपहर तक तो हो ही जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये एक्चुअली वो पानी के किनारे है, तो इसलिए इसको कोट ज़रा अच्छे से करना पड़ेगा ताकि जंग ना लगे, ख़राब ना हो। क्योंकि अगर गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्ट कर रही है तो हमें भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी चीज़ करें वो अच्छा करके देना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ही अपने काम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बेनिफिट उसमें कम भी हो, लेकिन जो काम हमेशा करना चाहिए वो परफेक्ट हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि ये इसी से आप जाने जाएंगे, यही आपकी पहचान है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। ये मायने रखता है कोई भी फील्ड में, आपका प्रेजेंटेशन, आपके आइडियाज़, जो आपने सोचा था उसको आप किस तरीके से प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपने सोचा था वो उस तरीके से आए, क्योंकि जो इमेजिनेशन का एक खेल है, वो जब आप इमेजिन करते हैं तो दूसरे लोग सिर्फ वो समझ सकते हैं, बट उसको अपनी कल्पना में उसको ये नहीं कर सकते कैसा होता है। तो कई बार ये जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका 3D या फोटोशॉप वर्जन होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो आधिकारिक वर्ग के लोग हैं वो समझ पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की चीज़ें। और यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राइमर जो है वो हो रहा है, और प्राइमर का एक कोट अच्छा मोटा जब तक नहीं हो, ताकि उसमें ये ओपन एयर में रहने वाला है तो जंग ना लगे इस वजह से। और ये अच्छा है कि ये सारी चीज़ें यहीं होटल में जगह है पीछे, तो इस वजह से यहाँ हो जा रहा है। अब हम जा रहे हैं साइट जहाँ पे इंस्टॉल होना है, वहाँ पे जो फ्रेम है इसको लेके, क्योंकि ये फ्रेम के बगैर ये चीज़ें वहाँ पे परमानेंट नहीं रहेंगी। तो ये अभी फ्रेम वहाँ रखने के बाद हम उस पर करेंगे वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के लिए शायद कल जो वेल्डर हैं वो आ जाए। और यहाँ पे भी जो आप देखेंगे नीचे, वहाँ पे वो होल्ड करने के लिए हमने वहाँ RCC का वर्क करवाया है, जिसमें पट्टियाँ लगी हैं, तो उस पट्टी के साथ ये वेल्ड हो जाएगा। और ये जो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरीके से ये नीचे इस स्लोप में रहना है ये, और बर्ड्स जो आएंगे वो वहाँ पे खड़े में आएंगे। तो एक को यहाँ रहना है, ये दो लोगों को यहाँ रहना है कि कितने हाइट पे बर्ड्स को लगाने हैं, और दूसरे को मुझे लगता है मैं उधर जाके खड़े होके उसकी हाइट और वो सारी चीज़ें देखूं। तो देखते हैं वो किस तरीके से। और यहाँ आप देख रहे हैं RCC का काम जो हुआ था उसके साथ वेल्डिंग करवाना है, ताकि वो परमानेंट वहाँ पर रह जाए, क्योंकि ये यहाँ की मिट्टी थोड़ी धसक रही है, पर बारिश इतनी हो गई कि वो जो खिसकने वाला सिलसिला वो बंद हो चुका है। बट देखते हैं, अगर ये जगह अच्छी है और इसके नीचे जो आप छोटे छोटे प्लांट्स देख रहे हैं वो जब बड़ा होगा तो ये पूरा 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 भर जाएगा उसमें, तो तब और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा खोंड के आसपास के लोगों से, घर इस तो आसपास के लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आसपास के लोग नहीं, जो भी कला प्रेमी हैं व जो लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये चीज़ें यहाँ परमानेंट हो रही हैं तो उसे उसके एक खूबसूरती के साथ उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको ख़राब ना होने दिया जाए। अगर आप कोई ऐसे करता है तो उसे रोका जाए। तो ये चीज़ें एक रिक्वेस्ट है। और ये जो व्यू है यहाँ से आपको हल्के उसमें दिख रहा होगा कि वो स्पॉट कहाँ है, तो यहाँ से एक अच्छा व्यू मिलेगा अगर हम यहाँ से सारी चीज़ें देख कर करें। तो यहाँ अब शुरू हो चुका है बर्ड्स के कलरिंग का सिलसिला,
और इसमें जो कलर चूज़ करने का कारण है वो तो आप लोग जानते ही हैं, और दूसरा जो एक मेरे एक रीज़न है कि जब मैंने ग्रंथ में इसका वर्णन देखा तो ये जो मित्र नाम है इस पक्षी का, सखी बोला जाता है इस बर्ड को, तो इस ये जब झुंड में उड़ते हैं तो ये आग के गोले के समान प्रतीत होते हैं। और आग का गोला ये ग्रंथों में वर्णन है, ये मैं नहीं कह रहा, ग्रंथ में वर्णन है, इस वजह से इन बर्ड्स को लेने का एक मुख्य कारण था। और होता है जब आपके कॉन्सेप्ट और आपकी जो चीज़ें हैं वो आप जिसके साथ जा रहे हैं तो पूरा लॉजिकली वो सारी चीज़ें जानी चाहिए। तो वही होता है कि जब आप काम करते हैं तो आर्टिस्ट एक अपनी ही छाप तो छोड़ता है, और क्या करता है, वो जहाँ रहता है उसके एग्जिस्टेंस वो वहाँ एग्जिस्ट करता है, यही चीज़ तो है, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ बड़े ज़ोर शोर से काम चल रहा है, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो बस अब मैं होटल रूम में, गुड मॉर्निंग। तो बस अब होटल के पीछे चल रहा है काम, तो हम बीच बीच में आके यहाँ आराम कर रहे हैं और वहाँ काम चल रहा है। तो ये अच्छा है होटल में पास, तो होटल के पास साइट होने का वाकई होटल के पास साइट होने का बहुत फ़ायदा है, ताकि है ना हमें जो भी काम करना है वो हम बाजू में रह के देख सकते हैं। तो अभी समय हो रहे हैं शाम के 4:30 बज रहे हैं, हर्षित जो यहाँ के लोकल कोऑर्डिनेटर हैं असिस्ट कर रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि काम हो चुका है पूरा, ये सूखने की बारी है, ये जब तक सूखेगा उसके बाद ही वो इंस्टॉल होगा, क्योंकि वो एक एक करके फिट होता जाएगा और उसके बाद उसमें वेल्ड होता जाएगा, क्योंकि ये एक बार फिट हो गया तो उसके अंदर घुस के वेल्ड करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो सारी चीज़ें हैं वो हो जाए, और ये सभी ने मिलकर इसमें सहयोग किया है कि किस तरीके से काम करना है व पेंट करना है। तो भाई लोग सुबह से लगे हैं, और हर्षद भाई को भी बड़ा मज़ा आया, उनका नया प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है सीताकुंड पे। तो अगर आप लोग अयोध्या में हैं तो ज़रूर आकर देखिए सीताकुंड व खुरकुंड, यही सारी चीज़ें वहाँ इंस्टॉल होना है। तो अगर ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि ब्लॉग में और इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। नमस्कार, जय हिंद।